खरगोन जिले के सेगांव में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 8 लोग एक ही परिवार के रहने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासनिक हलचल सेगांव में काफी तेज हो गई है। जहां सभी पॉजिटिव मरीजों को खरगोन भेजा जा रहा है, वहीं क्षेत्र में नए कंटेनमेंट एरिया भी बनाए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है और फिलहाल नायब तहसीलदार जागृति जाट और चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्या ने मोर्चा संभालते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पॉजिटिव पाए गए लोगों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। वहीं व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए सेगांव बाजार 5 दिन तक बंद रखने का निर्णय लेकर आज से ही बाजार बंद कर दिया है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, आज जो 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनकी क्या सूचना है? आज जो 16 पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है, उसके संबंध में जहाँ जहाँ पर भी इन पॉजिटिव लोगों के जो संपर्क में आ रहे हैं या आए हैं, उनको क्वारंटाइन कराया जा रहा है और सैंपल हेतु उनको कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही जो नए कंटेनमेंट बन रहे हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत, नायब तहसीलदार साहब और स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला लगातार भ्रमण कर कंटेनमेंट जोन बना रहा है और वहाँ की सुरक्षा स्थिति पुलिस के साथ में हम लोग देख रहे हैं। सर, ये जो एक कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हुई है, इस पर क्या? अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग ही बता पाएगा। और बाकी जितने भी नए कंटेनमेंट बन रहे हैं, वहाँ पर हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं। क्या नाम है? मैं राजेंद्र आवासा, पुलिस चौकी प्रभारी सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।